हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपर्ट्स लॉ स्कूल। आई एम सृष्टि। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का नेक्स्ट टॉपिक। हम लोगों ने कवर करा था लास्ट क्लास में, वी डिस्कस्ड अबाउट पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है सेक्शन 91 एंड 92, जो बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस के बारे में। तो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग ने सेक्शन 60 देखा कि ईयर से एविडेंस नहीं दे सकते, फिर हम लोग सेक्शन 64 देखा। अगर हम लोग एविडेंस तो देखें, इंडियन एविडेंस एक्ट को देखें, तो उसका एक बेस्ट एविडेंस का रूल है। मतलब हर सिचुएशन में हम लोगों को बेस्ट एविडेंस ही कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ता है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस बेस्ट एविडेंस रूल। बेस्ट एविडेंस रूल इंडियन एविडेंस एक्ट में 3 सेक्शंस में दिया गया है कि हर सिचुएशन में हमें बेस्ट एविडेंस देना। अगर हम लोग ओरल एविडेंस की बात करते हैं तो सेक्शन 60 में लिखा हुआ है कि अगर हमें ओरल एविडेंस देना है तो इट मस्ट बी डायरेक्ट। ऐसा पर्सन जिसने वो चीज़ देखी थी, सुनी थी, वही ओरल एविडेंस देगा, इनडायरेक्ट एविडेंस नहीं दे सकते हैं। तो सेक्शन 60 में दिया है एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंस, मतलब सुना सुनाया एविडेंस नहीं दे सकते हैं। ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस बी डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट एविडेंस जो है वो बेस्ट एविडेंस नहीं होता है। तो ये पहला हो गया बेस्ट एविडेंस रूल। सेक्शन 60 में दिया है कि ओरल एविडेंस अगर हम दे रहे हैं तो वो डायरेक्ट होना चाहिए, हियरसे एविडेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा बेस्ट एविडेंस रूल जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। तो अगर हम लोग को डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूफ करना है तो प्राइमेसी इज गिवन टू प्राइमरी एविडेंस। तो कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव बाय प्राइमरी एविडेंस, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 64, और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ही हम लोग सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं एज पर सेक्शन 65। तो बेस्ट एविडेंस रूल अगर हम लोग डॉक्यूमेंट्स के केसेस में देखते हैं तो वो है कि प्राइमेसी जो दी जाती है, प्राथमिकता जो दी जाती है, वो प्राइमरी एविडेंस को दी जाती है टू प्रूव द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, और सेकेंडरी एविडेंस को हमेशा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस, जो कि 7 सर्कमस्टांसिस दी है सेक्शन 65 में, उसी में दिया जा सकता है। ये हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग लास्ट रूल पढ़ेंगे, बेस्ट एविडेंस रूल जो आखिरी है, जो दिया है सेक्शन 91 और 92 में भी। तो सेक्शन 91 में कहा गया है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो आज हम लोग सेक्शन 91 और 92 में देखेंगे कि हाउ ओरल एविडेंस इज एक्सक्लूडेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ये दोनों सेक्शन आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे थर्ड रूल ऑफ गिविंग बेस्ट एविडेंस। तो हम लोग ने जाना कि एविडेंस में होता है बेस्ट एविडेंस रूल, यानी हर सिचुएशन में बेस्ट एविडेंस देना चाहिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लास्ट इसका जो पार्ट है, सेक्शन 91 एंड 92। सबसे पहले हम लोग 91 डिस्कस करेंगे। तो जनरल इंट्रोडक्शन अगर हम लोग जाने तो ये है कि व्हेनेवर एनी फैक्ट इज रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, अगर किसी चीज़ को हमने लिखित में दर्ज कर दिया है या फिर एक डॉक्यूमेंट बना दिया किसी चीज़ का, तो बेस्ट एविडेंस क्या होगा? बेस्ट एविडेंस वही होगा कि वो जो राइटिंग है या फिर डॉक्यूमेंट है एज इट इज कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाए, और द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय गिविंग ओरल एविडेंस। तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई चीज़ लिखित में है तो उसी राइटिंग से हमको कोर्ट के सामने उसको पेश करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, और हम लोग उस कंटेंट का जो डॉक्यूमेंट में चीज़ लिखी है उसका ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। यही सेक्शन 91 और 92 में कहा गया है, पर इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो हम लोग 92 में देखेंगे। बट इंट्रोडक्शन अगर हम लोग जाने सेक्शन 91 का या इस बेस्ट एविडेंस रूल का, तो हर सिचुएशन में बेस्ट एविडेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ये अगर कोई डॉक्यूमेंट है और इस पे हमने कुछ चीज़ें लिख दी हैं, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें यही राइटिंग प्रूफ करनी पड़ेगी, और कोई पर्सन ये जाके ये नहीं कह सकता कि हम इसका कंटेंट का जो भी चीज़ लिखी थी हम ओरल एविडेंस देना चाहते हैं, तो ये नहीं हो सकता। दिस इज़ द बेस्ट एविडेंस रूल इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 91 एंड 92। सेक्शन 91 टॉक्स अबाउट एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को यहाँ प्राइमेसी दी जा रही है, प्राथमिकता दी जा रही है, सिर्फ हम डॉक्यूमेंट से ही प्रूव कर सकते हैं इसके कंटेंट्स को। ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड किया गया है, ओरल एविडेंस हम यहाँ पर नहीं दे सकते कि इसमें क्या लिखा था, हम ओरली नहीं बता सकते। सेक्शन 91 में 2 एक्सेप्शन भी मैंशन है और 3 एक्सप्लेनेशन भी हैं।
सेक्शन 91 स्टेट्स दैट व्हेनेवर व्हाटएवर इज इन राइटिंग, जो भी चीज़ राइटिंग में है मस्ट बी प्रूव बाय दैट राइटिंग ओनली. तो जो भी चीज़ राइटिंग में उसको हम राइटिंग से ही प्रूव करेंगे. एंड द पर्सन वोंट बी अलाउड टू गिव ओरल एविडेंस टू प्रूव द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट. दस देर इज एन एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और देर इज अ प्रिंसिपल ऑफ प्राइमेसी गिवन टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. तो जो भी चीज़ राइटिंग में है उसको हम उस राइटिंग से ही प्रोड्यूस करेंगे, प्रूफ करेंगे, और कोई व्यक्ति आकर उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए ओरल एविडेंस नहीं दे सकता है. ये 91 में कहा गया. अब 91 के जो बेयर प्रोविजन है उसको समझने के लिए हम लोग को उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है. 91 इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. पहला बात करता है कि वेन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन इज रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट और इन राइटिंग. तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के, ग्रांट के या डिस्पोजिशन, किसी भी चीज़ के टर्म्स को अगर हम लोगों ने राइटिंग में या डॉक्यूमेंट में प्रोड्यूस कर दिया है, रिड्यूस कर दिया, उसको राइटिंग में लिख दिया है, पहला पार्ट है. और दूसरा पार्ट है कि वेदर ट्रांजैक्शन विच आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग. इसको अभी एक एक हम लोग डिटेल में समझेंगे, बट हम लोग बस ये जान लेते हैं कि 91 को हम लोग दो पार्ट में पढ़ रहे हैं. पहला पार्ट है कि जब कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या किसी अदर डिस्पोजिशन के टर्म्स को हम लोगों ने राइटिंग या डॉक्यूमेंट में रिड्यूस कर दिया है, डॉक्यूमेंट बना दिया है, जबकि वो लॉ के द्वारा ऐसा नहीं कहा गया था कि आपको डॉक्यूमेंट बनाना है. बिना डॉक्यूमेंट के ओरल भी हो सकता था, काम चल सकता था, पर हम लोगों ने उसको डॉक्यूमेंट बना दिया है. और दूसरा है कि वेयर इट इज़ कंपल्सरी रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग. तो हम लोग दोनों सिचुएशन देखेंगे कि इसको कैसे प्रूव करा जाएगा, इसको कैसे प्रूव किया जाएगा, और फिर बाकी का आगे देखेंगे. सो लेट्स लर्न अबाउट सेक्शन 91 फर्स्ट पार्ट. सेक्शन 91 का जो फर्स्ट पार्ट है वो ऐसे ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करता है विच आर नॉट कंपल्सरी रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग. तो उनको राइटिंग में रिड्यूस करना कंपल्सरी नहीं था, बट द पार्टीज हैव रिड्यूस्ड इट इनटू राइटिंग, तो उनको राइटिंग ही प्रूव करना पड़ेगा. बट अगर उसको डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवाया है तो ओरल एविडेंस दे सकते हैं. तो सेक्शन 91 फर्स्ट पार्ट टॉक्स अबाउट दोज ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट कंपल्सरली रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग. लॉ के द्वारा कंपल्सरी नहीं था कि इसको राइटिंग में रिड्यूस करें. तो अगर पार्टीज ने उसको राइटिंग में रिड्यूस कर दिया है तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ही उसको प्रूव कर सकते हैं, ओरल नहीं दे पाएंगे. बट अगर पार्टीज़ ने उसको डॉक्यूमेंट नहीं करवाया, राइटिंग में नहीं रिड्यूस किया, तो ओरल एविडेंस दिया जा सकता है. सिंपल यही बात करता है. बस हम लोग फिर से जान लेते हैं. सेक्शन 91 फर्स्ट पार्ट स्टेट्स दैट वेदर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन इज रिड्यूस्ड इन राइटिंग, देन टर्म्स कैन बी प्रूव्ड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओनली. तो अगर राइटिंग में है तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ही हम उसको प्रूव कर सकते हैं, मतलब प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं. ओरल एविडेंस विल नॉट बी अलाउड टू बी गिविन. ओरल एविडेंस हम नहीं दे पाएंगे इफ इट इज रिड्यूस्ड इन राइटिंग. अब टर्म्स क्या होता है? टर्म्स होता है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन में जो एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे वो उसके टर्म्स होंगे. तो ये देखना पड़ेगा जब भी कोई क्वेश्चन रेज होता है कि ये टर्म है कि नहीं, तो उसके एसेंशियल एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों को देखना पड़ेगा कंसिडरेशन अमाउंट है, मैनर ऑफ परफॉर्मेंस है, प्लेस एंड टाइम ऑफ परफॉर्मेंस है, ये उसका टर्म हो जाएगा. तो अगर टर्म्स की बात आती है तभी ये प्रोविजन अप्लाई करेगा. और अगर टर्म्स नहीं है, कोई और ऐसी चीज़ है जो नॉन असेंशियल पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन है, जो टर्म्स नहीं है, तो उसको हम यहाँ पर इस प्रोविजन में नहीं आएगा, तो हम लोग उसको ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं. ये एक्सप्लेनेशन 3 में लिखा है, हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे. बट टर्म्स आर द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन. और टर्म्स की बात यहाँ पर सेक्शन 91 या 92 में की गई है. एनीथिंग अदर देन टर्म कैन बी प्रूव्ड बाय गिविंग ओरल एविडेंस. बट टर्म अगर राइटिंग में है तो डॉक्यूमेंट्री से ही प्रूव करेंगे, ओरल नहीं दे सकते. अब इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं. तो ट्रांजैक्शंस आर नॉट कंपल्सरी रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग. और अगर पार्टीज ने उसको डॉक्यूमेंट नहीं करवाया है, लिखित में नहीं करा है, तब वो ओरल एविडेंस दिए जा सकते हैं. तो फिर से अगर हम लोग उसको समराइज करें तो सेक्शन 91 फर्स्ट पार्ट ऐसे डॉक्यूमेंट्स की बात करता है विच आर नॉट कंपल्सरी रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग. उनको लिखित में करना, बनाना मैंडेटरी नहीं था, बट अगर पार्टीज ने उनको राइटिंग में कर दिया है तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ही उसको प्रूव कर सकते हैं, ओरल एविडेंस नहीं दे पाएंगे तब वो.
और अगर पार्टीज ने उसको डॉक्यूमेंट नहीं करवाया है, राइटिंग में नहीं करवाया है, तब ओरल एविडेंस दिए जा सकते हैं। दूसरी चीज़, टर्म्स की यहाँ बात हो रही है, एसेंशियल एलिमेंट्स की बात हो रही है। जब टर्म्स की बात होगी तभी सेक्शन 91-92 अप्लाई करेगा। टर्म्स को प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंस हम लोग नहीं दे सकते हैं, बट एनीथिंग अदर देन टर्म कैन बी प्रूव बाय ओरल एविडेंस एज गिवन अंडर एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 91। अब हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सो लेट्स लर्न अबाउट सेक्शन 91 सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट बात करता है ऐसे ट्रांजैक्शंस के बारे में विच आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग। तो लॉ के द्वारा यहाँ पर कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, ये रिक्वायरमेंट है कि ऐसे ट्रांजैक्शंस को राइटिंग में रिड्यूस किया जाए। ये हमेशा लिखित होने चाहिए और लॉ के द्वारा ये कहा गया है। तो दीज ट्रांजैक्शंस विच आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग कैन बी प्रूव्ड बाय गिविंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओनली एंड नो ओरल एविडेंस विल बी अलाउड टू बी गिविन। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस, पहले वाले में ऐसे ट्रांजैक्शंस की बात हो रही थी जो कंपल्सरी रिक्वायर्ड बाय लॉ इन राइटिंग नहीं थे, उनको राइटिंग में रिड्यूस करे या ना करे पार्टीज, उसके ऊपर उसके पास ऑप्शंस थे। बट यहाँ पर आपको लॉ के द्वारा मैंडेटरी है कि उसको राइटिंग में रिड्यूस करना है, तो आप यहाँ पर सिर्फ उस चीज़ को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देकर प्राइमरी या सेकेंडरी से ही प्रूव कर सकते हैं। यहाँ ओरल एविडेंस किसी भी सर्कमस्टांसेस में नहीं दिया जाएगा। एग्जाम्पल्स इसके देखें, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अबव 100 रुपये, 100 रुपये से ज़्यादा की सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो राइटिंग में ही होगा इस डॉक्यूमेंट का। दूसरा है स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर 164 सीआरपीसी, सीआरपीसी में 164 में कन्फेशंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो जो कन्फेशन रिकॉर्ड होते हैं वो हमेशा राइटिंग में ही होना चाहिए। तो इसको अगर हम लोग को प्रूव करना है, इसके कंटेंट्स को, इसके टर्म्स को प्रूव करना है, तो इट कैन बी प्रूव बाय गिविंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये राइटिंग ही प्रूव करनी पड़ेगी, ओरल या सेकेंड ओरल एविडेंस नहीं दे पाएगी पार्टीज के इसको कंटेंट्स को, इसको प्रूव करने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 91 एंड इट्स सेकेंड पार्ट। एक्सेप्शंस और एक्सप्लेनेशन देखने से पहले हम लोग समझ लेते हैं इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन सेक्शन 91। तो जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908 का, उसके दो प्रोविजन से सेक्शन 17 और सेक्शन 49C जो इफेक्ट करते हैं सेक्शन 91 इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजन को। अब वो किस तरह इफेक्ट करते हैं वो हम लोग यहाँ समझ रहे हैं। ये चीज़ जान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो स्पेसिफिक प्रोविजन ले डाउन करता है एंड देयरफॉर द प्रोविजंस ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट विल प्रिवेल ओवर द प्रोविजंस ऑफ द जनरल प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 91। तो इसके प्रोविजन को प्राइमेसी दी जाएगी, इसी वजह से हम लोग ये पढ़ रहे हैं। सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट में कहा गया है ऐसे डॉक्यूमेंट्स विच आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रजिस्टर्ड। तो सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट का ऐसे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है जिनका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। और सेक्शन 49C जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट का, वो ले डाउन करता है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑन सच डॉक्यूमेंट। तो सेक्शन 17 बात करता है ऐसे डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और अगर ऐसे डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है उनको ना रजिस्टर किया गया तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ये सेक्शन 49C में दिया गया है। तो सेक्शन 49C स्टेट्स दैट वेयर अ डॉक्यूमेंट विच वॉज कंपल्सरी रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रजिस्टर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17, जिसको हम लोग को रजिस्टर करना था, एंड द सेम हैज़ नॉट बीन रजिस्टर्ड। तो लॉ के द्वारा उसको मैंडेटरी था कि रजिस्ट्रेशन करना है, बट हम लोगों ने उसका रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करवाया है, देन नो ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विल बी अलाउड टू बी गिविन। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका सेक्शन 17 में मैंशन था लिस्ट में, उसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी था और हम लोगों ने उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 49C उसके कंटेंट्स को प्रूव करने के लिए ना हम लोग ओरल एविडेंस दे सकते हैं ना हम लोग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकते हैं। तो ये हम लोग समझ लिए कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में क्या चल रहा है। सेक्शन 91 को कैसे अफेक्ट करता है, सेक्शन 91 में कहा गया है कि अगर डॉक्यूमेंट राइटिंग में है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकते हैं हम लोग। हम लोग ने यही पढ़ा अभी सेक्शन 91 में कि अगर डॉक्यूमेंट जो है वो राइटिंग में है तो उसका हम लोग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम लोग को देना पड़ेगा, ओरल एविडेंस विल नॉट बी अलाउड टू बी गिवन। ये एक लाइन में सेक्शन 91 बात करता है। बट सेक्शन 91 के जो प्रोविजंस हैं इसके प्रोविजन से इफेक्ट होंगे कैसे, सेक्शन 91 में सिर्फ राइटिंग की बात की, रजिस्ट्रेशन की बात नहीं करी गई, बट हम लोग सेक्शन
रजिस्ट्रेशन एक्ट अगर देखते हैं तो उसमें कहा गया कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है ऐसे डॉक्यूमेंट्स का, नहीं रजिस्ट्रेशन करवाया गया है तो हम लोग ना ओरल एविडेंस दे पाएंगे ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे पाएंगे। यहाँ की सिचुएशन लेते हैं, अगर एक डॉक्यूमेंट है हम लोग ने राइटिंग में तो कर लिया, बट ये सेक्शन 17 में मेंशन था रजिस्ट्रेशन एक्ट के, हम लोग ने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 49C ये वाले प्रोविजन इस पे लगेगा और हम लोग ना ओरल दे पाएंगे ना डॉक्यूमेंट्री दे पाएंगे। तो राइटिंग में तो था, 91 अप्लाई कर रहा था, 91 के अकॉर्डिंग ये राइटिंग में था, हम लोग राइटिंग में है तो राइटिंग प्रूफ कर सकते, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकते हैं, बट अगर वो 17 में मेंशन था हम लोग ने राइटिंग में तो करवा लिया रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो ये वाला प्रोविजन प्रिवेल करेगा ओवर दिस प्रोविजन और हम लोग डॉक्यूमेंट्री भी नहीं दे पाएंगे। तो सेक्शन 91 सिंपली कहता है कि राइटिंग में डॉक्यूमेंट है तो आप उसकी राइटिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूव कर सकते हैं, बट अगर ये डॉक्यूमेंट सेक्शन 17 में मेंशन था और हम लोग ने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो हम लोग डॉक्यूमेंट्री भी नहीं दे पाएंगे, बिकॉज स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ सेक्शन 91(49C) गिवन अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट विल प्रिवेल ओवर द जनरल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 91। तो ये वाला इसको प्राइमेसी दी जाएगी, इफ द डॉक्यूमेंट विच वॉज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड गिवन अंडर सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट वॉज नॉट रजिस्टर्ड दो इट वॉज इन राइटिंग देन नो ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैन बी गिवन। तो पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उस डॉक्यूमेंट का, तभी हम लोग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसका दे पाएंगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन सेक्शन 91। अब हम लोग सेक्शन 91 के एक्सेप्शंस देखते हैं। एक्सेप्शन नंबर 1 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक ऑफिसर के। अगर किसी पब्लिक ऑफिसर का अपॉइंटमेंट लॉ के द्वारा किसी लिखित डॉक्यूमेंट से हुआ है और क्वेश्चन अराइज होता है कि उनका अपॉइंटमेंट हो चुका है कि नहीं हो चुका है, एंड इफ़ इट इज़ शोन कि वो पब्लिक ऑफिसर अपनी ड्यूटीज़ कर रहा है, ही हैज़ एक्टेड एज सच ऑफिसर, देन इट विल बी सफिशिएंट प्रूफ ऑफ द फैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट और वो रिटन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो विद अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी मेड इन राइटिंग एंड क्वेश्चन अराइजेज एज वेदर सच एन अपॉइंटमेंट वॉज मेड और नॉट, इफ इट इज शोन दैट अ पर्टिकुलर पर्सन हैज एक्टेड एज सच एन ऑफिसर देन इट विल बी अ सफिशियंट प्रूफ ऑफ द फैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड द राइटिंग बाय विच ही वॉज अपॉइंटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। तो यहाँ पर अगर दिखा दिया गया कि वो पब्लिक ऑफिसर अपनी ड्यूटीज़ कर रहा था तो यहाँ पर ओरल एविडेंस से ही काम चल जाएगा, रिटन डॉक्यूमेंट जिससे उनका अपॉइंटमेंट हुआ था वो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 91 डील्स विद विल्स। तो अगर विल के कंटेंट को प्रूव करना है एंड इफ़ इट इज़ एडमिटेड टू प्रोबेट देन प्रोबेट से ही उसको प्रूफ कर लिया जाएगा और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिसमें विल बनाई गई है उसको प्रूव करने की कोर्ट में पेश करने की ज़रूरत नहीं होगी। विल्स एडमिटेड टू प्रोबेट इन इंडिया मे बी प्रूव बाय द प्रोबेट, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द विल नीड नॉट बी प्रोड्यूस्ड, प्रोबेट इज अ कॉपी ऑफ द विल सर्टिफाइड इन द सील ऑफ द कोर्ट एंड देयरफॉर इट विल बी अ सफिशिएंट प्रूफ ऑफ द कंटेंट्स ऑफ विल। तो कंटेंट्स ऑफ विल अगर प्रूफ करना है तो डॉक्यूमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है जिसमें उसको बनाया गया था, प्रोबेट से ही हम लोग उसको प्रूफ कर सकते हैं। सेक्शन 91 में 3 एक्सप्लेनेशंस भी हैं। पहला एक्सप्लेनेशन कहता है कि सेक्शन 91 उन कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन पे अप्लाई करेगा इफ़ दे आर कंटेन्ड इन वन डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट में है तब भी, या फिर दे आर कंटेन्ड इन मोर डॉक्यूमेंट्स दैन वन, तो दोनों पे अप्लाई करेगा सेक्शन 91। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि वेयर देयर आर मोर ओरिजिनल्स दैन वन ओनली वन ओरिजिनल विल बी रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। तो अगर किसी एक डॉक्यूमेंट की एक से ज़्यादा ओरिजिनल है तो एक ही ओरिजिनल प्रूफ करना पड़ेगा, हम लोगों को सारा ओरिजिनल प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन 3 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वेयर इन एडिशन टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन अ डॉक्यूमेंट रिफर्स टू एनी अदर फैक्ट देन दैट फैक्ट कैन बी प्रूव बाय ओरल एविडेंस। तो टर्म्स के अलावा अगर कोई और फैक्ट है तो उसको हम लोग ओरल एविडेंस देकर प्रूफ कर सकते हैं। तो आज हम लोग ने पढ़ा पूरा प्रोविजन रिलेटेड टू सेक्शन 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे, एक्सेप्शन एक्सप्लेनेशन समझा, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी समझा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 92 एंड द एक्सेप्शन टू द जनरल रूल गिवन अंडर सेक्शन 91। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 92 देखेंगे क्योंकि वो थोड़ा और लेंदी है, उसमें और 6 प्रोविजंस हैं उनको समझना पड़ेगा एक एक करके, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन 92 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास।